आज मैं आपको ईस्ट इंडिया लेके चलने वाला हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये सूरजपुर गोल चक्कर है, है ना, ये रहा सूरजपुर का गोल चक्कर। और सूरजपुर गोल चक्कर से आपको सीधा जाना है, ये दादरी वाले रोड पे है ना, दादरी वाले रोड पे यहाँ से 4 किलोमीटर है ईस्ट इंडिया, 4 किलोमीटर है जो कंपनी है। अभी मैं वहीं आपको लेके चल रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी दिखा दूँ, मैं अभी सूरजपुर गोल चक्कर पे हूँ। सब कुछ आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे रास्ता भी दिखाऊंगा, जब वहाँ पहुँचने लगूंगा फिर वहाँ पे दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे ऐसे कुछ भाई हैं जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है ना, ना ही रास्ता मिल पा रहा है और ना ही उनको कंपनी मिल पा रही है ना। तो मैं आपको रूट दिखाने वाला हूँ, जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे वहाँ पे द मिर्दुल का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ दादरी वाले रोड पे आपको जाना है, तो चलिए लेके चलता हूँ। आए अभी है ना, आप देख पा रहे होंगे इस रोड से आए हैं और ये दादरी वाली रोड है। और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, औद्योगिक क्षेत्र साइड भी गौतम बुद्ध नगर है ना, साइड भी है, ठीक। तो बिल्कुल दादरी वाली रोड से आपको सीधा आना है 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर इस रोड से अंदर जाना। मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहना, ठीक है। लेके चल रहे हैं आपको, यहाँ से मात्र 500 मीटर है, 500 मीटर। जैसे सभी ये देख पा रहे होंगे, सभी जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सभी अपने काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं। और मैं चल रहा हूँ ईस्ट इंडिया में वीडियो शूट करना, मैं भी अपने काम पे निकल चुका हूँ, अपने जॉब पे निकल चुका हूँ, जो कि मैं आपके लिए जॉब करता हूँ, आपके लिए ही काम करता हूँ। तो हाल फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि जो हमारे भाई ईस्ट इंडिया में आना चाहें नौकरी के लिए, उनको दिक्कत ना हो, रूट का उनका पता चलता है ना। ई ब्लॉग में है, ठीक है। देख रहे हो कितने पब्लिक जा रही है भाई, एकदम सीधा आना है जहाँ लिखा बोर्ड लगा हुआ है बी ब्लॉक का, है ना, साइड बी का, इसको आपको अंदर आना है, ठीक है। और ये देखो ई 1 से लेके 7, ठीक है, ई ब्लॉक में ही है, इस वाले कट में नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको कंपनी में काम तो करना है ईस्ट इंडिया में, लेकिन उनको कंपनी नहीं मिल रही। देखो ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये देखो ईस्ट इंडिया ग्रुप, ये आ गया ना आपका, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ। जिस कंपनी में मैं लेके चल रहा हूँ, इस कंपनी में स्मार्ट वॉच बनती है। ये सभी भाई जॉब के लिए आए हैं, कुछ कुछ नौकरी पे हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो जॉब, भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। वो भाई साहब हमारे मिल गए हैं और उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, इस समय हम आ चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हम ठीक सामने हैं। जैसा कि मैं दिखा दूँ, ये सभी भाई हमारे जॉब के लिए आए, रोज़गार के लिए आए। और बस हमारा एक पहल है कि भाई किस तरीके से रोज़गार दिलाया जाए, आपको बताया जाए। जो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, पर जो मेरे भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं वो कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, कितनों को मैं रिप्लाई दूँ? सर वैसे जितना मेरे से हो सकता है मैं रिप्लाई ही देता हूँ सबका, है ना। बट क्या है कि अगर मैं रिप्लाई सबको देने लगा, पूरे 2 दिन 3 दिन बीत जाए, पर रिप्लाई देना जो है ना मैसेजों का ख़त्म नहीं होगा, और मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। जब वीडियो बना नहीं पाऊँगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगी। जब रोज़गार नहीं मिल, मेरे पर रोज़गार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हाल फिलहाल अभी मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से ठीक सामने हूँ, जो कि ये मैन्युफैक्चर कंपनी है। अभी सर से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हो सर आप? मैं सूरजपुर। सूरजपुर प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, कितनी एज है सर? हमारी 38। क्या आपके फर्म का क्या नाम है सर? श्री राम इंटरप्राइजेस। श्री राम इंटरप्राइजेस। सर किस कंपनी में अभी हायरिंग चली, वैकेंसी है? ये तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैन्युफैक्चर कंपनी है? हाँ जी। क्या मैन्युफैक्चर करती है? ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, और तुम्हारा ये LCD के पार्ट बनाती है, स्मार्ट वॉच बनाती है। अच्छा, ये स्मार्ट वॉच। हाँ जी। अभी अगर हम बात करें, अच्छा, हमारे यहाँ बस की सुविधा है, खाने की सुविधा है, प्लस पूरा AC प्लांट है। हाँ, बैठ के काम है, मतलब पसीना आने के चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। अच्छा, अगर बात करें तो किस किस प्रोफाइल के लिए वैकेंसी है? हमारे यहाँ हेल्पर से लेके और स्टाफ तक की वैकेंसी है।
हेल्पर से लेके स्टाफ तक की। अगर हम बात करें 10th और 12th वालों को, उतनी उनको क्या सैलरी सर? सैलरी हमारे यहाँ 13,500 से स्टार्ट है। 10+2 का? हाँ जी, हाँ जी। 8 घंटे का? 12 घंटे? 12 घंटे सर। 12 घंटे? हाँ जी। ITI डिप्लोमा वालों? ITI डिप्लोमा 16-17, 18,000, 20,000 जैसा कुछ है। 12 घंटे की आप बता? हाँ, 12 घंटे। और इसमें कैंटीन और बस की सुविधा है? बस की और कैंटीन की सुविधा है। कैंटीन के पैसे कटते हैं? हाँ, कैंटीन के पैसे कटते हैं, 18 रुपये कुछ पैसे कटते हैं। और बस के? बस के नहीं कटते। बस के नहीं? सर कितने एज तक क्राइटेरिया है बच्चों के? हमारे 35 तक। 35? मतलब 18 से 35 तक अगर वो आए तो हो जाएगा? हाँ जी। सर नाइट में है या शिफ्ट में है? अभी तो डे शिफ्ट चलती है। डे शिफ्ट चल रही है। कितनी वैकेंसी हैं सर? वैकेंसी हमारे 500। 500 वैकेंसी? सर हमारे जो भाई है दूर दराज से आना चाहे, इस शहर नोएडा के नहीं है, किसी और शहर के हैं, तो अगर आना चाहे तो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आके फ़ोन कर लें, मेरा नंबर आप लगा देना। थे मैं नंबर लगा दूंगा आपको। जैसे ये है कि आने के बाद फिर उनको नौकरी मिल जाए ना? नौकरी बिल्कुल मिल जाएगी, आते श्योर है। अभी कितने दिन तक इसमें चलेगी? अभी 2-4 दिन चलेगी। 2-4 दिन? सर PABSI करता है इसमें? अभी नहीं करता, अभी तो हमारे भारत सरकार से चल रहा है, NIEPS के हिसाब से चल रहा है। हाँ जी। तो ऑन रोल है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर? नहीं, ऑन रोल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है, दोनों पे चल रहा है। दोनों? तो आप बंदों को किस रोल पे कराओगे, ऑन रोल या कॉन्ट्रैक्ट? जो जैसा बंदा होगा उस हिसाब से होगा। मतलब ऑन रोल भी करा दोगे और कंपनी की तरफ से भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी करा? जी जी जी, सारी फैसिलिटी है। तो मतलब कहने का ये है कि जो बंदे बाहर से आना चाहे वो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा, अंदर काम कैसे, वर्क कैसे करना पड़ता है? बैठ के काम करना पड़ता है, हमारी लाइन हुई है, लाइन पर टेबल लगे हुए हैं, सब बैठ के काम करते हैं। टोटल 100 होता है सब? टोटल? हाँ जी। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, जिससे कि बच्चे आपसे, जो भी कैंडिडेट हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। 7834-86-76-61। हाँ, ये अगर इस पर कॉल करेंगे तो रिस्पांस मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कॉल्स बहुत आएंगे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बेरोजगारी? बिल्कुल, एक आदमी ऐसे इसीलिए बैठा है फ़ोन रिसीव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसा कि भैया से बातचीत करके अच्छा लग रहा है, और श्रीराम इंटरप्राइजेज का इनके देखो आप आईडी है, और ये हमारे भाई सभी डॉक्यूमेंट ले चुके हैं। अभी सबका डॉक्यूमेंट आपने ले लिया? कितने बंदे अभी आए हैं भर्ती के लिए? अभी कम से कम 20 बंदे आ चुके हैं। 20 बंदों का डॉक्यूमेंट आपने ले लिया? हाँ। पर डे कितने बंदों की हायरिंग होती है? पर डे कम से कम 50 बंदों की हायरिंग। 50 बंदों की हायरिंग होती है? अगर बंदे हमारे वीडियो देख कर आएंगे तो उनको तो लगाओगे ना? ऑफ कोर्स, जरूर। चलो अच्छा भैया से बात। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना सर ये बता दो? हमारे यहाँ आधार कार्ड चाहिए, प्लस उसका जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो पढ़ाई के हैं, एक बायोडाटा चाहिए, 2 फोटो चाहिए, और बैंक की पासबुक की फ़ोटो कापी। इतना लेके आएंगे तो? अच्छा, वैक्सीनेशन चाहिए? हाँ जी। नहीं नहीं, अभी नहीं, विदाउट वैक्सीनेशन? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अच्छा, भैया से बातचीत करके अच्छा लग रहा है, और इस समय जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, आपका जो नंबर है भैया, मैं कॉन्टैक्ट अपने नंबर में लगा दूंगा ना इसलिए, जिससे कि फ़ोन आपके पास आएंगे, बच्चे जो बाहर से आना चाहें वो आ सकते हैं ना, उनको नौकरी आप? बिल्कुल नौकरी। सर आपको बहुत मिल जाएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, इसी पर हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, अभी इस समय हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ठीक सामने ही हैं। बस दोस्तों, हमारा एक पहल है कि किस तरीके से बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से नौकरी दिलाया जाए। इस समय ईस्ट इंडिया की कंपनी के हम ठीक सामने हैं। ओवरऑल व्यू की बात करें कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने भाई सरार को सपोर्ट करना, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आगे के लिए वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए।